गुड मॉर्निंग एवरीवन, कैसे हो आप सब? होप यू ऑल आर डूइंग वेल। हम लोग भी ठीक ठाक ही है और मैं ब्लॉग स्टार्ट की हूँ ब्रेकफास्ट करने की बात से। हस्बैंड निकल गए जिम में, मैं चला गया सुबह सुबह स्कूल। आज मॉर्निंग में मैंने बहुत हड़ी बड़ी था मेरा, तो मैं ब्लॉग स्टार्ट नहीं कर पाई। अभी फ़िलहाल मुझे किचन करनी है क्लीन, और तो मैं वही कर रही हूँ यहाँ पे। सुबह सुबह किचन क्लीन कर रही हूँ और किचन ना पूरा फैला पड़ा हुआ रहता है। और मुझे आप लोग बहुत जन बोले हो मुझे कि दी आप अपना किचन थोड़ा एक्सटेंशन करा लीजिए, तो एक्सटेंशन तो नहीं हो सकती है। और मैं बार बार बाहर क्यों जाती हूँ? आप लोग भी बहुत बार पूछो किचन से आप बार बार बाहर क्यों जाती हो, क्योंकि बाहर में डिश वॉशर रखा हुआ है, सारे बर्तन बाहर रखे हुए हैं, तो बस यही सारे सब चीज़ के लिए मैं थोड़ा बाहर जाती हूँ। और यहाँ मम्मी से बात करते करते मेरा किचन भी क्लीन हो गई और मैं सीधा फ्रेश होके नहा के मैं ऊपर आ गई हूँ। और ऊपर में कितना अच्छा खिली खिली धूप है ना, तो सारे कपड़े जो सुबह में लगाई थी मैं, सुबह ये मेरा रेगुलर बेसिस का काम होता है कि सुबह उठ के मैं कपड़ा लगा देती हूँ और बहुत सारे कपड़ों का ढेर हो जाता है। सब कोई बोलता है कि नीट एंड क्लीन रखना चाहिए, डेली बेसिस का कपड़ा धो लेना चाहिए। आप विश्वास नहीं करोगे, मंडे टू फ्राइडे तक एवरी डे मैं कपड़ा धोती हूँ, फिर भी पता नहीं कहाँ से इतना कपड़े जुगड़ जाता है, मुझे खुद पता नहीं चलता है। तो एनीवेज सारे कपड़े मैंने यहाँ पे डाल दिए, सूख जाएंगे हेलो इसके बाद। एवरीवन, कैसे हो आप सब? होप यू ऑल आर डूइंग वेल। हम लोग भी ठीक ठाक है। और अभी सुबह का सारा काम मेरा हो चुका है। एक्चुअली सुबह में जितना सारा काम होता है, तो अभी सिर्फ लंच बनाना बाकी है। लंच बनाऊंगी आज, बहुत ज़बरदस्त कुछ बनाऊंगी, रेसिपी शेयर करूंगी आप लोगों के साथ। फिलहाल ये सारे चीज़ें ना बंद कर रही हूँ, क्योंकि इतनी ज़्यादा धूप, तेज तकार धूप आ रही है ना, क्या ही बताओ। और नहाने के बाद, फ्रेश होने के बाद, पूजा करने के बाद और तेज गर्मी लगने लगती है, पता नहीं क्यों। चलो ये काम में पहले निपटा लूँ, मैं मिलती हूँ। चलो जी, यहाँ पे पर्दा डाल दी हूँ मैं। यहाँ पे ना क्या होता है कि पर्दा डालने के बाद में आप थोड़ी देर बैठ जाओ, फैन ऑन कर दो, यहाँ पे फैन ऑन कर दो, एसी चला लो, तो थोड़ी सी रहाई मिलती है। नहीं तो दोपहर को यहाँ से ना यहाँ पे टीका नहीं जाता है, इतना हालत खराब। मेरा हेयर बहुत खराब हो रहा है, जाऊंगी फिर से बोटॉक्स कराने सोची हूँ, देखती हूँ क्या होता है। फिलहाल मैं आज बनाने वाली हूँ बिरयानी, क्योंकि मन का बहुत दिन से मन था कि मम्मी बिरयानी खाना है, बिरयानी खाना है। तो इतनी गर्मी में ना वो 50 स्टेप वाली बिरयानी, वो थोड़ी सी ना मुझे मुश्किल लग रही थी। तो आज मैं ना थोड़ी सी वो झटपट वाली बिरयानी होती है ना, जो लोग बिगिनर है उन लोग को बहुत हेल्प मिलेगा, ये वाली रेसिपी मैं सोची कि चलो। पहले जो जब हम लोग घर पे बिरयानी बनाने आती नहीं थी, तो तब हम लोग बनाते थे घर में, जब पिकनिक वगैरह होता था, सब गेट टुगेदर होता था, तो सब बोलता तुम्हारा हाथ का बिरयानी खाना है। तो मैं स्टेप नहीं करती थी अभी का तरह, अभी जैसे मैं स्टेप बाय स्टेप बनाती हूँ, तब उतना पता नहीं था, तो मैं बना देती थी, बहुत ज़बरदस्त टेस्ट होता था। मैं आज ना वो बनाऊंगी। फिलहाल सॉरी फॉर दिस नॉइज़, क्योंकि यहाँ पे मैंने डिश वॉशर लगा रखा है। और हाँ, बाय द वे, किसी ने मुझे सवाल किया था कि ये कर्टन पर्दे कहाँ से मैंने लिया, ऑनलाइन उसका लिंक डालने, तो दोस्तों आई एम सॉरी, मैं इसका लिंक नहीं डाल पाऊंगी, क्योंकि ये पीस जो पर्दे के कपड़े आते हैं ना, बड़े बड़े थान जो कपड़े आते हैं, तो लोकल मार्केट से मेरे घर के बगल में ही हाथी बागान है। तो कोलकाता में जो लोग रहते हैं उन लोगों को पता ही है हाथी बागान मेरे घर के बगल में है, वहाँ जाके कपड़े लेके दर्जी से हम लोग सिलवाए हैं इसको। तो क्योंकि हस्बैंड को वो रेडीमेड वाले पर्दे पसंद नहीं है, तो इसलिए वो बोले कि नहीं दर्जी के पास जाके सिलवा लेंगे, तो वही किए और यहाँ पे पर्दे लग गए। तो चलिए, यहाँ पे फिलहाल मैंने चावल सोख कर दिया था सुबह ही, क्योंकि मुझे बिरयानी बनानी थी। और यहाँ पे चिकन मैंने रखा, इसको धोए नहीं हूँ, धोऊंगी अभी फिलहाल, क्योंकि सुबह में ना मुझे टाइम नहीं मिला। और बिरयानी में ना थोड़ा सा पहले से बहुत चीज़ें तैयारी करनी पड़ती है, मैंने कुछ नहीं किया, रेडीमेड वाली बनाऊंगी, शेयर करती हूँ रेसिपी आप लोगों के साथ। चलिए फिलहाल फटाफट मैं काम स्टार्ट करती हूँ।
देखिए चावल कितना अच्छा से भीग गया, कम से कम ना 3-4 घंटा आप इसको भिगो दीजिए। ये जो चावल होते हैं ना, इसको कम से कम 3-4 घंटा इस तरह से भीगा हुआ रहेगा ना, तो चावल थोड़ी सी फूल जाती है और बहुत जल्दी बॉयल हो जाती है। और ये रेडीमेड वाली बिरयानी ना बहुत टेस्टी बनती है, सच बता रही हूँ। आपके पास अगर खड़े मसाले नहीं भी हो ना तो भी चलता है, लेकिन थोड़ी बहुत मसाले तो हम लोगों के पास होते ही है, जैसे दालचीनी, छोटी इलायची, लौंग, फिर नमक, ये सब तो होते ही है। तो ये सब पानी में डाल दीजिए और बस पानी को ना बॉइलिंग स्टेज पे लेके आइए। वो जो रोलिंग बॉयल होती है, खौलता हुआ पानी जिसको हम लोग बोलते हैं, देखिए मैं फिर भी यूपी भाषा में आ गई हूँ, तो ये पानी जब खौल जाएगा, खौलता हुआ पानी, तब उसमें आप डाल दीजिए पानी, ये सॉरी पानी मैं बोल रही हूँ, देखिए ये चावल डाल दीजिए इसमें। और ये जो चावल है ना, अच्छे से पहले वॉश कर लीजिएगा। तो यहाँ पे चावल मेरा बन चुका है। अच्छा, चावल ना 75-80% कुक्ड होना चाहिए, मतलब हाथ में डालने से तो लगेगा टूट रहा है, लेकिन एक्चुअल में वो टूटना नहीं चाहिए पूरी तरह से, थोड़ी सी टाइट रहना चाहिए। तो बस चावल हो गया, और अभी मैं यहाँ पे आलू ले चुकी हूँ, आलू और थोड़ी सी चिकन जो था मेरे पास, तो आलू और चिकन ना एक साथ में बॉयल कर लूँगी। ये सारी सब चीज़ ना रेडीमेड तरीके से बनेगा, तो बस बॉईल कर लूँगी। आप बोलोगे बिरिस्ता तैयार नहीं किए, कुछ तैयार नहीं करना होता, ये वाली बिरयानी में बहुत इजीली बन जाती है। थोड़ी सी नमक डाल दीजिए और बस इसको सीटी लगा लीजिए, 4-5 सीटी में आराम से ये पक जाएगी। अब अपना कुकर में सीटी देख लीजिएगा। अंडा बॉइलिंग पे चढ़ा रही हूँ क्योंकि एग्स तो डालूंगी बिरयानी में, तो बस कोलकाता बिरयानी में ना एग्स जरूर डालता है। मैं भी यहाँ पे अंडा चढ़ा दी हूँ और गर्मी से हालत सच में खराब हो रही है। अंडा चढ़ाई हूँ, आधा प्रोसेस तो हो गया है, चावल मेरा हो चुका है और यहाँ पे चिकन और आलू बैठा चढ़ाई हूँ क्योंकि कल आलू बिरयानी मैं को स्कूल में लेके जाना है। मुझे एकदम स्ट्रिक्ट इंस्ट्रक्शन है आज स्कूल जाने से गर्मी आज स्कूल जाने से पहले वो स्ट्रिक्ट इंस्ट्रक्शन देके गया कि मम्मी आज तुम बिरयानी बनाओगी तो कल आप मुझे जरूर से बिरयानी, मुझे आलू बिरयानी मेरे लिए अलग से हटा लीजिएगा क्योंकि उसका स्कूल में नॉन वेज अलाउड नहीं है, फुल्ली वेजिटेरियन है। बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जो लोग वेजिटेरियंस हैं, तो ज्यादातर स्टूडेंट्स वेजिटेरियंस हैं मैं का स्कूल का, तो इसीलिए रूल्स एंड रेगुलेशंस वैसा ही है, स्कूल में मंदिर है तो वेज आलू बिरयानी जा सकता है। तो कल सुबह मैं उसको आलू बिरयानी ही दे दूंगी, वो अलग से हटा लूंगी। अच्छा, बाय द वे प्याज को ना एकदम चॉप कर लेंगे हम लोग, मतलब वो जो एकदम बारीक से चॉप होती है ना चॉपर में, जैसे चॉप हो जाते हैं, तो बस सारे सब चीज़ ना चॉपर में डाल दूंगी। गर्मी में ना वो उतना स्टेप्स नहीं होगा, लेकिन बिरयानी इतनी अच्छी बनती है ना, मैं क्या ही बताऊं। तो बस यहाँ पे कुछ हरी मिर्च प्याज के साथ मैं चॉप कर लूंगी, तो एक साथ दो काम हो जाएंगे मेरे। अब गो मतलब साबुत वाली अदरक लहसुन भी इस्तेमाल करते हो ना, वो भी डाल के चॉप कर लीजिएगा इसमें। तो फिलहाल मैं प्याज और हरी मिर्च चॉप कर रही हूँ क्योंकि मैं साबुत वाली यूज़ करने नहीं वाली हूँ, हरी साबुत वाली लहसुन और अदरक। तो बस यहाँ पे ये सारे सब चीज़ कंप्लीट हो गया, मिनटों में फटाफट थोड़ी सी और चॉपिंग कर लूँगी मैं, फटाफट से चॉपिंग हो जाती है ये चॉपर। अच्छा, किसी आप लोग पूछ रहे थे ना कि ये वाली इलेक्ट्रिक चॉपर मैंने कहाँ से ली, जिस स्टोर बॉट है ये, मतलब ऑनलाइन नहीं मंगाई थी मैं, तो लिंक भी मैं नहीं डाल सकूँगी। फिलहाल यहाँ पे मेरा चिकन भी बॉयल हो चुका है, आलू तो ऑलरेडी बॉयल हो ही गया है चिकन के साथ साथ, ये देखिए चिकन कितना अच्छा से बॉयल हो गया है ना। अच्छा, आप लोग बोले थे दी आप हाथों से कैसे इतना गर्म पकड़ लेते हो, तो जी आदत हो गया है मेरा ऐसे करते करते ना, मतलब चावल देखते हुए चिकन देखते हुए मेरा ना ये आदत हो गया, बहुत दिन से आदत हो गया। अभी उतना ज़्यादा मतलब गर्मी उतना ज़्यादा नहीं डर लगता है मुझे। तो फिलहाल यहाँ पे मैं कढ़ाई चढ़ा चुकी हूँ, कढ़ाई में ऑयल डाली हूँ, ऑयल थोड़ी सी गर्म हो जाए
बस ये चेक कर लीजिएगा, डायरेक्टली प्याज और हरी मिर्च जो चॉप करके हम रखे थे वो ये ऑयल में डाल देंगे और हाई फ्लेम में इसको कुक करेंगे जब तक इसका कलर एकदम से चेंज ना हो जाए, गोल्डन ब्राउन ना हो जाए। तो इस स्टेज तक हम लोग भूनेंगे प्याज को। ये देखिए एक बिरिस्ता का एक फ्लेवर भी देगा और एक लुक भी देगा इसमें। तो हाई फ्लेम में प्याज और जो हरी मिर्च है उसको मैंने बहुत अच्छा खासा भून लिया और उसके बाद फ्लेम को स्लो करके कर दिया। और यहाँ पे ये देखिए ये सारे सब चीज़ बॉयल हो चुका है, मेरा चिकन है, आलू है और अंडा है, मतलब एग्स है। तो ये सारे सब चीज़ बॉयल हो चुका है और यहाँ पे प्याज का फ्लेम स्लो है। थोड़ी सी दही ली हूँ मैं, इसको अच्छी खासी फेंट लीजिएगा, नहीं तो दही ना दानेदार हो जाती है। तो इसको बहुत अच्छे से मैंने फेंट लिया है दही को। और साथ में मैं यूज़ करने वाली हूँ बिरयानी में, ये दही तो जाएगा ही जाएगा और उसके साथ ये जिंजर गार्लिक पेस्ट, इसीलिए मैं साबुत वाली यूज़ नहीं की। ये रेडीमेड वाली है, बहुत जल्दी झटपट घुल भी जाती है और खाना भी बहुत अच्छे से बन भी जाती है। थोड़ी सी केवड़ा वाटर यूज़ करूँगी मैं, और केवड़ा वाटर यूज़ नहीं करने से ना बिरयानी में वो खुशबू वो स्वाद नहीं आते हैं। और यहाँ पे मैंने बिरयानी मसाला मंगाए हैं, एक बिरयानी मसाला आधा आधा यूज़ करूँगी मैं एक ही बिरयानी में। मैं दिखाऊँगी कैसे यूज़ करती हूँ। और फिलहाल मैं आप लोगों को दिखा दूँ, चावल यहाँ पे दो दो जगह में मैंने चावल रख दिए लिए हैं, क्योंकि देखिए 10 लोगों का हिसाब से मैं बिरयानी बना रही हूँ, मम्मी, दादा, मैं, हस्बैंड मतलब शेखर जी और मयंक। तो 5 लोगों का, पांच पांच मतलब रात को भी हो जाएगा। पंखे के नीचे सुखाने के लिए छोड़ दी थी मैं, तो चावल सूख जाएगा ना, चावल का जो पानी होता है वो पूरी तरह से सूख जाएगा। और यहाँ पे प्याज भी मेरा पूरी तरह से गोल्डन ब्राउन हो चुका है। अब मैं इसमें डालूँगी वो जिंजर गार्लिक पेस्ट जो स्टोर बॉट है। इसमें ना मतलब आप जब इसको मतलब स्टर देते रहिएगा और इसका खुशबू निकल मतलब खुशबू हट जाए कच्चेपन का, तो बहुत अच्छा ऑयल रिलीज़ करता है और बहुत फ्लेवरफुल होती है। मतलब बिरयानी के लिए ये इट्स ओके है, एवरीडे यूज़ लिए मैं नहीं बोल रही हूँ, लेकिन फिर भी बिरयानी के लिए तो ये एकदम परफेक्ट है। तो फिलहाल मैं यहाँ पे प्याज व्याज सारे भून चुका है, और प्याज भूनते भूनते ना मतलब पुराने दिन बहुत याद आ रहे थे, सच बता रही हूँ। पहले भी मैं बनाती थी ना, जब शादी नहीं हुआ था, गेट टुगेदर होता था। एनीवेज यहाँ पे थोड़ा सा हल्दी, कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर ऐड किया, साथ में मैंने बिरयानी मसाला आधा ऐड किया और आधा मैंने बचा लिया बाद के लिए। नमक ऐड कर रही हूँ, नमक स्वाद अनुसार ऐड कीजिएगा, थोड़ा सा देख लीजिएगा क्योंकि पहले भी चावल में मैंने नमक ऐड कर दिया है। और यहाँ पे बस इसको मिक्स देना है, बहुत अच्छे से मिक्स दे दिया और देखिए इसका ऑयल रिलीज़ हो गया। तो बस यहाँ पे थोड़ी सी पानी ऐड कर रही हूँ क्योंकि वो जो लथपथी वाली ग्रेवी होती है ना वो चाहिए था मुझे। तो बस यहाँ पे पानी ऐड करने के बाद बहुत अच्छा से इसको भून लिया और अब इसमें ऐड करूँगी दही। दही ऐड करते ही फुल फ्लेम में इसको स्टर देते रहिएगा जब तक ये उबाल ठीक से ना आ जाए इसमें, और नहीं तो दही ना फट जाएगा और दानेदार हो जाएगा, बिरयानी में उसका स्वाद अच्छा नहीं आएगा। तो फिलहाल देखिए ये मसाला मेरा बातों ही बातों में ये मसाला एकदम रेडी हो चुका है। इसमें अब जितना बॉयल किया हुआ सामान था पहले तो उसको मैं ऐड करूंगी, बहुत अच्छा से इसको कोट कर दूंगी, कोट जरूर कर दीजिएगा तो इसमें फ्लेवर भी आ जाएगा। थोड़ी सी ना इसमें दही घोल के जो पानी होती है वो पानी मैं डाली हूँ और बस इसको ना थोड़ा सा स्टर देते हुए थोड़ी बहुत इसको पका लेंगे मीडियम टू स्लो फ्लेम में, ताकि ये जो मसाले हैं ना ये सारे एक रस हो जाए। थोड़ा सा मसाले मैं चेक कर रही हूँ नमक सही है कि नहीं, तो नमक तो सही लगी मुझे। और बस यहाँ पे थोड़ी सी पानी और मैंने ऐड किया क्योंकि पानी बहुत कम लग रही थी तो तला चिपकने का टेंशन रहती है। तो बस थोड़ी सी लीड लगा के इसको पका लिया 10-1 मिनट, और पकाने के बाद ये देखिए स्लो फ्लेम में पकाई हूँ ना, और कितनी अच्छी लतपती सी एक ग्रेवी बन के तैयार हो चुका है इसका। तो अब बिरयानी का मेन और मेन नहीं आखिरी प्रोसेस में जाऊंगी। तो फिलहाल यहाँ पे
एक बड़ा सा पैन मैंने ले लिया है और बस इसमें ना ऑयल वगैरह कुछ ऐड नहीं करना है। डायरेक्टली जो मसाला अभी आलू और चिकन और अंडा के साथ बना के रखी हूँ वो मसाला नीचे में स्प्रेड करना है। ये पतीले के पूरा नीचे में इसको चारों ओर से अच्छे से स्प्रेड करना है, बहुत अच्छे से ग्रेवी के साथ। तो बस मैं वही कर रही हूँ, इसको बहुत अच्छे से चारों ओर साइड साइड से स्प्रेड कर दिया। उसके बाद जो चावल मैंने रखे थे सूखने के लिए वो सारे चावल मुझे इसमें ऐड कर देना है, मतलब साइड बाय साइड इसको फैला फैला के अच्छे से चावल को ऐड करना है इसमें। तो चलिए चावल मैं पहले ऐड कर लूँ, क्योंकि ये जो बिरयानी ना ये लेयर बिरयानी नहीं बन रही है, लेकिन जब सर्व करेंगे ना तो फुल लेयर आएगी इसमें, तो बहुत ही अच्छा लगता है। तो फिलहाल यहाँ पर मैंने सारे बिरयानी का जो चावल है वो ऐड कर दिया, उसमें थोड़ी सी अब मैं ऐड करूंगी फाइनली केवड़ा वाटर। केवड़ा वाटर सही से इस्तेमाल करिएगा इसमें। दो ढक्कन मैंने डाला 10 लोग का हिसाब से, आप अपने हिसाब से कंसिस्टेंसी बढ़ा या कमा सकते हैं। ऊपर से बाकी जो आधा बिरयानी का मसाला मैंने बचा ली थी वो डाली हूँ, और साथ में थोड़ी सी कटा हुआ हरे धनिया मैं इसमें ऐड कर रही हूँ। और ये देखिए ये बिरयानी सिर्फ दम में लगाना बाकी है, दम लगा दूंगी 15 मिनट के लिए तो बिरयानी पूरी तरह से पक के रेडी हो जाएगा। तो गैस पे दम लगा रही हूँ, गैस में एक मोटा तावा ले लीजिए, क्योंकि पतीला का नीचे वाला हिस्सा ना बहुत समय पतली होती है, इससे ना तला चिपकने का टेंशन रहती है। तो तावा के ऊपर में पतीला रखिए, उसके ऊपर में लीड लगा के इसको दम लगाना है ना, तो भारी सामान रखना है। ये जो कुकर है ना इसमें मैंने पूरा पानी भर लिया, बस स्लो फ्लेम में इसको छोड़ दीजिए 15 से 20 मिनट के लिए। तो ये पतीला भी गर्म हो जाएगा, बिरयानी भी हॉट हो जाएगा, बिरयानी अंदर ही अंदर पक भी जाएगा। तो बस पतीला यहाँ पे रखी हूँ और इसके ऊपर लीड लगा के ना मैं कुकर चढ़ाई हूँ। कुकर में पानी भरा हुआ है गाइस, एकदम भरा हुआ पानी है, ताकि कुकर का हैवीनेस से ना वो दम लग जाए सही से। ये ही मेन फंडा है और कुछ नहीं। इस तरह से ना घरेलू नुस्खे यूज करके ना दम लगाइएगा तो बिरयानी ना बहुत टेस्टी बनती है, सच बता रही हूँ। तो फिलहाल यहाँ पे ये दम लग रहा है, 20 मिनट हाथ में टाइम था तो मैंने ऊपर गई थी, सुबह का जो लॉट डाली थी अभी नहीं, सुबह जो लॉट डाली थी वो तो सूख चुका था, ऊपर ही छोड़ के चला आई थी मैं क्योंकि टाइम नहीं था। तो फिलहाल मैं लेके आई हूँ और नीचे, और सारे सामान जो है वो इकट्ठा करके धीरे धीरे अलग अलग भी थोड़ा थोड़ा कर रही हूँ मैं, और करके मैं इनका सामान उसका अलमीरा में सेट कर देंगे, हस्बैंड का सामान उनका और मेरा सामान मेरा अलमीरा में, यहाँ पे मेरा अलमीरा नहीं है बगल रूम में है तो वहाँ मैं सेट कर दूंगी अपना सारे कपड़े। तो फिलहाल यहाँ पे मैं हस्बैंड का कपड़ा सेट कर दिया, मैं का भी सेट कर दिया, थोड़ी बहुत करते करते ना काम बहुत हो जाते हैं सच में, जिधर देखो ना काम आपका इंतज़ार करते हुए रहेगा कि इतना ज़्यादा काम। और यहाँ पे देखिए दम लग चुका है मेरा बिरयानी का बहुत अच्छे से, 5-10 मिनट बाद ना थोड़ा सा खोल के देख लीजिएगा कि दम कितना लगा है इसका। तो क्योंकि लीड हटा के ना मैं आपको दिखा रही हूँ आप कैसे चेक करेंगे कि आपका बिरयानी रेडी है कि नहीं रेडी है। तो आप चेक कर सकते हो इस तरह से, एक कलछुल ले लीजिए या आपको स्पैचुला का पीछे वाला हिस्सा और ना चावल का बीचों बीच गड्ढा कर लीजिए, थोड़ा सा उसको अंदर तक प्रेस करिए और चावल का बीचों बीच गड्ढा कर लीजिए। अगर आपको पानी दिखता है नीचे, मतलब वो तैयार नहीं है, अगर पानी सूखा हुआ होता है तो ये बिरयानी आपका तैयार है। तो मुझे पता नहीं चल रहा है, फिलहाल मैं देख रही हूँ थोड़ी थोड़ी गड्ढा किए, थोड़े थोड़े पानी है अंदर में, थोड़े से ज़्यादा नहीं है। तो बस ये और 5-10 मिनट पकने से ही ये बिरयानी रेडी हो जाएगा। तो इस तरह से ना गड्ढा करके आप देख सकते हो, पानी का मेजरमेंट ले सकते हो, तब आपको पता चल जाएगा ना कि बिरयानी दम में लगा है कि नहीं लगा है, मतलब सही में सही से बिरयानी पक रही है कि नहीं। क्योंकि ये चावल 70% कुक्ड होते हैं और अगर आप दम में कुक करोगे तो 100% कुक्ड हो जाएंगे, लेकिन ये
पानी के जरिए आपको समझना है कि आपका बिरयानी पक गई है कि अभी तक पकना बाकी है। तो नीचे में पानी भरा हुआ है, तो इसका मतलब भरा हुआ मतलब कि थोड़ी बहुत पानी है नीचे में, इसका मतलब और 10-1 मिनट पकाने से ये वाली बिरयानी एकदम से रेडी हो जाएगी। तो फिलहाल चलिए ये चावल जो है गड्ढा को फिल कर देते हैं, और फिल करने के बाद में इसको फिर से मतलब बंद कर देती हूँ मैं गैस को और दम लगा देती हूँ। बंद करने से भी ना ये बहुत गर्म रहता है, बहुत ही ज़्यादा गर्म रहता है, तो बस इस तरह से दम लगा दिया और यहाँ पे मतलब बिरयानी ऑलमोस्ट बन गई है। तो बस मयंक और हस्बैंड भी आ गया है, क्यों हस्बैंड मयंक को लेके आने वाले थे। क्या है हाथ में, पहले आओ ऊपर दिखाओ क्या लाया है स्कूल से। क्या है सब्जी भात? सब्जी भात मैंने को थोड़ा परेशान कर दिया सब्जी भात बोल के। तो जी मयंक स्कूल से आ चुका है और उसको भी थोड़ा सा तेज भूख लग रही थी, लंच हम लोग करेंगे। तो चलिए ये बिरयानी तो रेडी हो चुका है, तो मैं नीचे से मैं दिखा रही हूँ, देखिए सूखा सूखा बिरयानी जैसे मसालेदार होती है वैसे बिरयानी निकल के रेडी हुआ है। तो चलिए पहले ना बिरयानी को मैं सर्व कर लेती हूँ और मैं निकाल रही हूँ साइड से दिखाने के लिए आप लोगों को, देखिए कैसे दुकान का तरह रेस्टोरेंट जैसा बना है ये वाली बिरयानी। मेरा ना हाथ से दिखाने गई तो मेरा कैमरा हाथ से गिरते गिरते बचा। तो फिलहाल यहाँ पे चलिए मैं लंच सर्व कर रही हूँ और मैं आप लोगों को दिखाऊंगी अभी कि बिरयानी कितनी अच्छी बनी, लुक एट दिस। और अच्छा लग रहा है ना देखने में, और स्वाद में भी बहुत अच्छा था सच में, आज इतना अच्छा लगा हम लोगों को खाने में। और ये देखिए यहाँ पे बिरयानी हो गई है हम लोगों की रेडी। चलिए अब लंच करके आए, और वीडियो अच्छा लगे तो एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, फ्रेंड्स और फैमिली के साथ आप शेयर भी कर सकते हो। चैनल में नए हो, मुझे देख रहे हो पहली बार, तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब माय व्लॉग। और हाँ, मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा ये रेसिपी आप लोगों को कैसा लगा। तो फिलहाल ये देखिए बिरयानी का एक एक चावल खिला खिला है, दाना एक एक खिला खिला है, और मतलब सच में चावल के दाने एक 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 दूसरे से अलग है, इतना अच्छा लग रहा था मुझे देखने में खुद में, और कॉन्फिडेंस बढ़ गया, नहीं चलो ये पूरा रेस्टोरेंट स्टाइल बन गया। मतलब शादी के पहले तो इतना अच्छा बनी बनाते, यहाँ बिरयानी बनके रेडी है, मैंने नहीं खाई, सब कोई खा रहा है अभी, तो अभी जाऊंगी थोड़ा सा खा के आऊं, लंच करके आऊं। बिरयानी मस्त बना है, सबको बोला कि बहुत अच्छा बना है, आप लोग घर पे ये वाली बिरयानी जरूर ट्राई कीजिएगा, एकदम फटाफट से बनती है, बहुत जल्दी बनती है। सबसे बड़ी बात है ज्यादा तामझाम नहीं है, सब बोलते कि बहुत तामझाम है, ये चीज नहीं है। तो चलिए अभी फिलहाल लंच करके आती हूँ।